स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं काउंटिंग के काउंटडाउन की। ईवीएम पर सियासत एक बार फिर देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर अपने सवाल एक बार फिर उठाए हैं, कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर निशाना साधा, ईवीएम पर सवाल को बताया हार का बहाना। वही इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नेगेटिव बातों से चुनाव की ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को चोट पहुंचती है। कई बार जो नेगेटिव नैरेटिव बनाए गए हैं उसकी वजह से चुनाव कर्मचारी आहत होते हैं। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, कहा कि अगर कांग्रेस 295 पर नहीं और बीजेपी 300 पार जाती है तो इसका मतलब कि वो जनता के वोट की वजह से नहीं बल्कि ईवीएम के वोट की वजह से हुआ है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, लगातार सभी इंडिया गठबंधन दल के नेता, इंडिया गठबंधन के दल ये मांग करते रहे हैं चुनाव आयोग से कि जिस तरह से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही बनती है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य कराएं और कहीं कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखें। जब बिल्ली खिसियाती है ना तो खंभा नोचने लगती है। तो ये जो इंडी गठबंधन वाले, घमंडिया गठबंधन वाले जो हार का गुस्सा है ना वो ईवीएम मशीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वोट दी है, ईवीएम मशीन प्रमाणिक है, सब लोग जानते हैं। ये 2004 2009 उसमें तो एग्जिट पोल की बहुत तारीफ करते थे ना यही लोग। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे। बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने निर्णय किया। तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। और ठीकरा फोड़ना चाहते हैं क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। परिणाम आने से पहले ही रोना रोने लगे, वो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी निर्वाचन आयोग का रोना रोते हैं, कभी डीएम का रोना शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से प्रत्याशित ही था कि ये लोग जब हार की हताशा में डूबेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे तो ये लोग ईवीएम पे टीकरा फोड़ेंगे, निर्वाचन आयोग पे टीकरा फोड़ेंगे और या डीएम पे प्रशासनिक अधिकारियों पे टीकरा फोड़ेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनकी पूरा मनगढ़ंत बातें हैं। अब विलम्ब के ही कारण की, जब तो 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएगा तो इतना बेचैन क्यों है माननीय जयराम रमेश जी? तो उनका 295 प्लस का कहां से सर्वे रिपोर्ट आया? माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता का सर्वे है ये, तो जनता का सर्वे कैसे होता है ये तकनीक तो कम से कम बता दीजिए। बाकी और अगर 295 प्लस है तो आपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया? चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर नेगेटिव नैरेटिव बनाए जाते हैं तो उससे मुश्किल हालात में काम करने वाले चुनाव कर्मियों को ठेस पहुंचती है। कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं
तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू होने में अभी कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई का ऑर्डर दिया। इस दौरान कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है। 4 जून का बेसब्री से लोगों को इंतजार है और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस बार तैयारियां भी कुछ खास है, क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में होगी, क्योंकि कांग्रेस चुनावी मैदान में थी नहीं और बड़ी जीत की तैयारी इंदौर में शुरू हो चुकी है। इंदौर के छावनी में एक मिठाई दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आपको तस्वीर नजर आएंगे। जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है और परिणाम आने के पहले ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे देश में जश्न मन रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार 400 सीट। आप भी मिठाई का स्वाद चखने आए हैं, कल इंदौरी भी चखेंगे, कार्यकर्ता चखेंगे, इसीलिए तो आए ऑर्डर देने। ऑर्डर देने ये पूरे इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में जश्न मनने वाला है, क्योंकि फिर से तीसरी बार हमारे देश के गौरव तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री बनने वाले। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और देश में अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। बीजेपी जश्न की तैयारियां शुरू कर चुकी है और इस वक्त हम मिठाई के दुकान में मौजूद हैं और तमाम मिठाइयों की दुकान में इस वक्त आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो कल बड़े जश्न की तैयारी जो शुरू हुई, कल बड़े जश्न की तैयारी देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े जीत का दावा भी भारतीय जनता पार्टी इंदौर से कर रही है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, दो हमारे खास सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, और रायपुर से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, तैयारियां आपने हमने भी की है कल के लिए मेगा कवरेज के लिए। तैयारियां बीजेपी वाले कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और मिठाइयों के ऑर्डर दे रहे हैं। तैयारियां विपक्ष की भी यहां पर हैं, वो सवालों की झड़ी लेकर एक बार फिर सामने हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष जो है एक बार सब फिर से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इंदौर में तैयारियां खास है, बड़े जीत की तैयारी चल रही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है कि अगर 300 के ऊपर सीट आती है तो यानी ईवीएम का खेल हो गया, और अगर 300 के अंदर है, 285 सीट है, तो यानी जनता का वोट है। इंदौर की जनता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो यहां पर मौजूद है सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती, क्या कहती है। दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर 300 के ऊपर बीजेपी की सीट आएगी तो यानी ईवीएम का खेल हो गया। क्या जनता क्या सोचती है इसको लेकर? बिल्कुल भी नहीं, ये सब वरिष्ठ नेताओं की सोच खराब है। उनको सोचना चाहिए कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम सही है, और जहां बीजेपी जीतती है वहां ईवीएम खराब हो गई। दूसरे चुनाव अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लांछन लगाना कि बीजेपी के एजेंट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक आम आदमी, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। लेकिन एक सोच बता रहा हूँ कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी ने भारत देश पर सबसे ज्यादा शासन अभी तक किया है जी। है ना, इसके बाद में इस प्रकार की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी सोच का दिवालियापन हो चुका है। लगातार चाहे दिग्विजय सिंह हो, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, जब भी हार होती ईवीएम पर सवाल लेना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्र में रहे हैं कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, लेकिन उन सबका ऐसे ही काम है। अच्छा, जनता को क्या लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल का रुझान आया, जिस तरीके एग्जिट पोल बता रही, तमाम सर्वे एजेंसियां जो बता रही हैं कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार हो रही है और बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ ये हैट्रिक लगाने जा रही है, बड़ा जीत होने जा रही, जनता को लग रहा है? बिल्कुल 100%। जो पार्टी, जो व्यक्ति, कोई भी हो, एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का हो, अगर वो जनता के लिए काम करेगा, अच्छे काम करेगा, विकास के काम करेगा, तो जरूर आएगा, जनता उसको पसंद करेगी। और ये पिछले 10 सालों में हुआ है, आम जनता ने देखा है, हमने भी देखा है, जो कि पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ, जो पिछले 10 सालों में हुआ। मोदी जी पर जनता को कितना विश्वास है? 100%।
डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन की विकास हम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। धड़ल्ले से और आप आने वाले 5 सालों में और देखना आपकी कितना विकास होगा और भारत देश कहां से कहां जाएगा। चलिए कुछ लोग और उनसे पूछ लेते हैं, उनके मन में क्या है ईवीएम को लेकर जो बार बार सवाल खड़े किया जाता है नेताओं के द्वारा, क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, गलत है। ईवीएम बिल्कुल सही है, जनता मानती कि ईवीएम बिल्कुल सही है, बिल्कुल मानती लेकिन है, लेकिन नेता नहीं मान रहे, नेता कह रहे हैं कि ईवीएम का खेला हो रहा है। उनकी मेंटेलिटी है ना सर, मेंटेलिटी तो किसी के चेंज नहीं कर सकते आप। लगता है कि ये हार का बहाना है? यही माने आप? हाँ। कि कुछ मुद्दा तो बचा नहीं है अब कांग्रेस के पास किसी भी तरह से। हाँ। तो अब जो भी एलिगेशन आ रहा है वो ईवीएम के ऊपर लेके जा रहा है सब कुछ। इंदौर की अगर बात करते हैं तो इंदौर में क्या लग रहा है कि जीत का रिकॉर्ड बनेगा? बीजेपी ने तो तैयारियां शुरू कर दी। 100% बनेगा सर, 100% बनेगा। इंदौर में बड़े जश्न की तैयारियां हैं? बिल्कुल है सर, जनता कल तैयारियां कर रही है। ठीक है मिथिलेश, आप बातचीत को यहां आगे बढ़ाइए, हम जरा आकाश का रुख कर लेते हैं, रायपुर का भी हाल जान लेते हैं। आकाश आप बताएं कि रायपुर में किस तरह से तैयारियां हैं, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को लेकर सियासी बयानबाजी, सियासी गलियारों में क्या माहौल? देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में, उसको लेकर भाजपा पूरा संगठन उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है, और कल जो परिणाम आने वाले हैं उसको, जीत की तैयारी को लेकर यहां पर बड़े जश्न की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। अगर भाजपा कार्यालयों की बात करें तो वहां पे पंडाल लगने शुरू हो गए, मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, पटाखे मंगाए जा रहे हैं, इस तरीके सभी जिलों में ये स्थिति है। रायपुर में आज काली मंदिर, जो प्रसिद्ध काली मंदिर है रायपुर का, वहां पर भाजपा संगठन ने यज्ञ कराया और जो 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की, इसके साथ ही लोगों की खुशहाली की कामना करते नजर आए। दावा है कि 11 सीट इस बार ला रहे हैं, क्लीन स्वीप का दावा भाजपा कर रही है, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर रखी है। लेकिन सियासी गलियारों में भी कई बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं वो फर्जी है, फाल्स है, एक तरीके से भाजपा जो है प्रोपोगेंडा चला रही है, नतीजे बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के फेवर में आएंगे, ऐसे तमाम जो आरोप कांग्रेस लगाते दिख रही है। लेकिन जो भाजपा के पक्ष में जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है, उत्साह में किसी तरीके से कोई कसर नहीं नजर आ रही है। सभी जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जा पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि जब परिणाम आएंगे तो वहां किस तरीके से उत्साह मनाया जाएगा। सभी लोकसभा में एक तरीके से जश्न की तैयारी, और जो जीते गए प्रत्याशी उसकी बड़ी रैली निकालने की तैयारी की जा रही है, मुख्यालय में भी इसी तरीके से तैयारी है। तो बीजेपी ने अपनी जो पूरी तैयारी है वो कर रखी है जी, तैयारियां सबने अपनी अपनी कर रखी हैं और मिठाइयों के ऑर्डर भी दिए गए हैं। और इसके अलावा हमने मिथिलेश आपी की रिपोर्ट में देखा, तुलसी सिलावट से आपने बात भी की थी, मिठाई की दुकान पर भी वो पहुंचे थे। मिथिलेश आप तक आवाज पहुंची मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मिथिलेश सवाल मेरा यही था कि आपने आपकी रिपोर्ट दर्शकों को हमने दिखाई, तुलसी सिलावट से आपने बात भी की थी, मिठाई की दुकान पर वो पहुंचे थे, तो जीत को लेकर तो बीजेपी खेमा पूरी तरह आश्वस्त है और इसीलिए मीठा मुंह कराया भी जा रहा है, मिठाइयों के ऑर्डर दिए भी जा रहे हैं। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है, और इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था। अक्षय कांति बम ने नामांकन के बिल्कुल फॉर्म आखिरी दिन वापस ले लिया, उसके बाद कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में नहीं थी, नोटा को लेकर बार बार प्रमोट कर रही थी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी इस बार लाखों की वोट से ये चुनाव जीतने जा रही, और जीत इतना बड़ा होने वाला है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी है। और इसलिए इस बार इंदौर में तैयारियां भी कुछ खास है, पूरी तरीके से बीजेपी कार्यालय को भगवा रंग से सजा दिया गया है, जगह जगह पे कमल के फूल लगाए गए हैं और कई सौ क्विंटल फूल के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं, यानी आज रात तक बीजेपी कार्यालय पूरी तरीके से सच के तैयार हो जाएगी। रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, ढोल लगाने वालों को ऑर्डर दे दिया गया है, यानी सुबह से ढोल लगाने वाले पहुंच जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को
जिन्होंने मेहनत की है उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। अब मिठाइयों की अगर बात करते हैं तो मिठाइयों का ऑर्डर लगातार अलग अलग जगह पे दिया जा रहा, कई सौ क्विंटल का मिठाइयों का ऑर्डर तो खुद मंत्री तुलसी सिलावट देखे गए उस वक्त मौजूद थे। आकाश, एक आखिरी सवाल आपसे भी कि वहां पर क्या मालूम पड़ा है नेताओं को लेकर? पिछली बार विधानसभा चुनाव में देखा था आपने, नतीजे से पहले जैकेट सिलवाने के ऑर्डर दे दिए गए थे, इस बार कोई खास तैयारी? जी बिल्कुल, हमने जैसे पहले ही बताया कि तैयारियां यहाँ की जा रही है, उत्साह है और भाजपा कार्यालयों को सजाया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया, मिठाई के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, बात इसकी हो रही है कि देश में भाजपा 400 पार कर पाएगा कि नहीं, और छत्तीसगढ़ में बात इसकी हो रही है कि जो 11 सीटें हैं तो इस बार पहली बार क्लीन स्वीप हो पाएगा कि नहीं, और नज़र इस बात पे भी टिकी हुई है कि जो कद्दावर नेता है जो, तो वो कितनी मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। जैसे रायपुर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल है शिक्षा मंत्री, सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वोट कितना मिलता है ये देखा जा सकता है। राजनांदगांव और बृजमोहन अग्रवाल के तो अग्रिम में पोस्टर भी छप चुके हैं, उनको बधाई देते हुए शुभकामना संदेश के साथ। बहुत धन्यवाद आपका आकाश और मिथिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बात ग्वालियर की हो जाए, जहां पर MLG कॉलेज में कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच काउंटिंग होगी। MLB के 12 कमरों में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की EVM की गिनती होगी। मतगणना में 750 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और 250 लोग रिजर्व में रखे गए हैं। मतगणना स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेगा। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके साथ ही EVM के मतों की गणना भी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ग्वालियर लोकसभा की मतगणना का पहला रुझान सुबह 9 बजे तक सामने आएगा। अपने अपने विधानसभा रैंडमाइजेशन के माध्यम से मिल चुके हैं, इनको अपने अलॉट हो चुके हैं। इसके बाद ही आज इनकी एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग आज ये ऑर्गेनाइज करेंगे। कर्मचारियों की संख्या यदि आप देखें तो सब मिलाकर के लगभग 750 लोग काउंटिंग की पूरी प्रोसेस में लगेंगे, और वहीं सुरक्षाकर्मी की ये जो संख्या है वो 1000 है। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्वालियर के MLB कॉलेज में ये स्ट्रॉन्ग रूम जहां से EVM लाई जाएगी और EVM यहां से लाकर सीधे इन कक्षों में पहुंचेगी, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 12 कमरे बनाए गए हैं, यहां मतगणना होगी। और इस मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस हॉल में आप देख सकते हैं, ये एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस हॉल के साथ ही लगा दूसरा हॉल, दो दो हॉल है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती होगी उस गिनती के लिए यहाँ कुल 12 कक्ष हैं। इन 12 कक्षों में आप देख सकते हैं कि किसी कक्ष में 10 से लेकर 12-14 तक टेबलें लगाई गई हैं, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस एरिए के बाहर जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे विभिन्न पार्टियों के वो मौजूद रहेंगे, और सारे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पूरी तरह तैनात है। और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, जहां EVM खोली जाएगी और उसके बाद EVM की गणना होगी। तो कुल मिलाकर इस मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए, 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहां तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी ग्वालियर के इस स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना स्थल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है, और उसके साथ जब नतीजे आएंगे तो ये तय करेंगे कि आखिरकार ग्वालियर में लोकसभा सीट के जीत का सेहरा किसके सर बनता है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, कुछ ही घंटों में लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 4 जून यानी कल प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11 लोकसभा सीटों के लिए 220 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले 41,877 डाक मतपत्रों की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद सुबह करीब 8:30 बजे EVM खुलेंगी। इस दौरान पुलिस के 12,000 से ज्यादा जवान मतगणना स्थल पर तैनात होंगे। मतगणना की पूरी तैयारी है,
हर विधानसभा की 14 टेबल्स लगाई जाएंगी और जो आपका पोस्टल बैलेट का है उसकी 10 टेबल्स लगाई जाएंगी। शुरुआत में 8 बजे से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बलौदा बाज़ार में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें ईवीएम की गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी, यहाँ 8:30 बजे शुरू होगी। 23 राउंड अधिकतम जो राउंड जाएंगे वो 23 राउंड जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दे दिया गया है, पूरी मतगणना स्थल की तैयारी भी करेंगे और पूरा उसका रिहर्सल करके 4 तारीख को यानी 4 जून को पूरे जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और ईवीएम खुलेगा और किसके सर पर सेहरा बंधेगा ये तय होगा। अब आप देख सकते हैं मतगणना स्थल है, यहाँ पर पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और सबसे खास बात यह है कि रायपुर में 23 राउंड का मतगणना होगा लोकसभा चुनाव को लेकर के, और बलौदा बाज़ार में जो दो जो विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं उसमें जो 8 बजे है काउंटिंग होगा और रायपुर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर 8:30 बजे है मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी। अगर हम पूरे प्रदेश के पोस्टल बैलेट की बात करें तो लगभग 41,000 पोस्टल बैलेट हैं वो प्राप्त हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पूरी नज़र है, CCTV जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे तेज कल आप देख पाएंगे नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 के। जुड़े रहिए न्यूज 18 नेटवर्क के साथ।